Good morning, my dear kids and parents. Hope you all are doing very well at your home. So this video you are going to revise on our subject Hindi. उसका first part हम देखेंगे, ठीक है? So in the next slide आप देख सकते हैं book 2 Hindi revision book 2 revision लिखा है. हमने first part हम देखेंगे Hindi का, ठीक है? In the next slide on page number 20 हमने किसके बारे में सीखा था? जानवर, right? हमने हमारा जो topic था जानवर, okay? उसमें हमने कई तरह का जानवरों के बारे में देखा था, कौन-कौन है करके, उसमें शेर, बंदर, हिरन, हाथी वगैरह, right? हाँ, तो ये आपको identify करने के लिए आपको सीखना है कि अगर मैं एक picture दिखाएंगे आपको, for example अगर मैं हाथी का picture दिखाएंगे, so आपको वो identify करके बोलना है कि ये हाथी है, ठीक है? तो ऐसे हमने पेज नंबर 20 में देखा था, ठीक है? The next slide पेज नंबर 21, बाकी दूसरे जानवरों के बारे में हमने देखा था, जैसे घोड़ा, बेड, बिल्ली, बकरी, कुत्ता, है ना? हाँ, तो ये भी आपको identify करना है, ठीक है? हाँ, तो next slide पेज नंबर 22, हमने देखा था दूसरे जानवरों को, जैसे खरगोश, गधा, चूहा, ऊंट, गाय, ठीक है? तो वो भी आपको identify करना है, ठीक है? In the next slide हमने page number 23 में हम जानवरों का last जो है वो है कछुआ, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, इन सभी के बारे में देखा था, तो वो भी आपको identify करना है, ठीक है? In the next slide on page number 24 हमने पक्षी के बारे में देखा, पहले हमने जानवर देखा और ये 24 पेज में हमने पक्षियों के बारे में देखा, कौन-कौन से, जैसे कबूतर, कौवा, उल्लू, तोता, मोर, बतख, ठीक है? हाँ, तो ये भी आपको identify करने के लिए practice करना है, ठीक है? हाँ, the next slide page number 2 में हमने rhyme सीखा था, गोल गोल करके, पहला वाला था गोल गोल, जैसे मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, पंखा चलता गोल गोल, ऊपर सूरज गोल गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, ठीक है? तो ये आपको पता है, आपने तो ऑलरेडी सीख लिया है, ठीक है? तो ये भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ, और पेज नंबर 2 में दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड, और पेज नंबर 2 में हमने और एक राइम सीखा था, वो है मछली जल की रानी, ठीक है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे रो जाएगी, पानी में डालेंगे तैर जाएगी, डालोगे तैर जाएगी, ठीक है? हाँ, तो ये भी आपको, अब मुझे पता है कि आप सभी को अच्छे से आता है, ठीक है? तो और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ, in the next slide हमने पेज नंबर 8 और 9 में एक स्टोरी सीखा था, है ना, जंबो और गिलरिया करके, है ना? हाँ, पिंकी और विंकी करके दो गिलरिया थे और जंबो एक बड़ा सा हाथी जिनको बड़ा ears था, right? हाँ, और वो दो वो तीनों बहुत मतलब ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, ठीक है? और उसमें बीच में चील पक्षी आती है ना, उसको मतलब सैर कराने के लिए चिंकी विंकी को पूछा, तो इन लोगों ने डर के मारे बोला कि हम नहीं आने वाले, तो चील ने क्या बोला, आ चीची चील ने बोला कि नहीं, मैं अगर ऐसा है तो मैं अभी क्या, अभी आप लोगों को खा जाएंगे, तो किसने आके इनको दोनों को बचा लिया था, जंबो ने, ठीक है? हाँ, तो और एक हमने एक मोरल भी, एक शिक्षा भी मिला हमें इस स्टोरी में से, क्या कि हमें क्या है, सच्चे दोस्तों को है ना हमेशा हमें हेल्प करना चाहिए, ऐसे है ना? हाँ, तो ये भी आप अच्छे से समझना कि स्टोरी में क्या है, कौन है कैरेक्टर्स, कौन है करके, ठीक है? क्योंकि जंबो कौन है, चिंकी विंकी कौन है, चील का नाम क्या है, है ना? तो ये भी आपको समझना, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? यस, उसके बाद पेज नंबर 25 में हमने फूल के बारे में, फ्लावर्स के बारे में देखा था, जैसे गुलाब, चमेली, गेंदा, कमल, सूरजमुखी, है ना? हाँ, तो उन सभी फ्लावर्स के बारे में देखा था, तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड ऑन पेज नंबर 26 आपने देखा था फल मतलब फ्रूट्स के बारे में, ठीक है? कौन से, सेब, तरबूज, अंगूर, आम, केला, पपीता, संतरा, अमरूद, इन सभी के, ये सभी को आपने देखा था, आइडेंटिफाई किया था, तो ये आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हाँ, उसके बाद हमने देखा था पेज नंबर 3, नेक्स्ट स्लाइड पेज नंबर 3, एक और राइम हमने सीखा था, क्या था, आम फलों का राजा, है ना? हाँ, और उसमें क्या था, देखो कितना आम रसीला, छिलका उसका इसका पीला पीला, लगता कितना ताजा है, आम फलों का राजा है, है ना? आपने सीखा था ना? हाँ, तो ये भी प्रैक्टिस करना, ठीक है? यस, नेक्स्ट स्लाइड पेज नंबर 3 हमने और एक राइम सीखा था, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन के ठोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो रहे थे,
मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे, पापा ने टॉफी दी, नाच रहे थे, है ना। हाँ, तो ये भी आपको ट्राई टू लर्न इट एंड प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का फर्स्ट पार्ट ऑफ टॉपिक्स। सो ये सब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, राइम्स सीखने के लिए, मतलब स्टोरी का कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या मोरल था स्टोरी का, ये सब चीजें, ठीक है, करोगे ना। Yes, so I hope you understood how, what all are the first part of topics which you have to revise in the subject Hindi. Okay. Yes, so thank you so much, my dear kids and parents. Stay safe at home.